यम की महिमा। अब तक के प्रकरणों में पितरों का विषय था, वह प्रायः समाप्त हुआ है। अब हम आगे के प्रकरणों में यम पर विचार करेंगे। यम विषयक मंत्रों के हम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभाग में उन मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यम को कोई खास विशेषण प्रयुक्त हुए हैं न होंगे। द्वितीय विभाग में विशेषण विशिष्ट यम होगा। विशेषण विशिष्ट यम वाले मंत्र यम की उत्पत्ति स्थिति आदि विषयों में कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे। द्वितीय विभाग के शीर्षक का नाम वैवस्वत यम रखेंगे, क्योंकि वैवस्वत विशेषण ही प्रायः यम के लिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है। प्राणापहार यम। यम मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता है। प्राणियों के जीवन के अपहरण का कार्य यम करता है। मृत्यु का यम ही दूत है, यह हमें आगे पता चलेगा। प्राणियों के मारने का काम यम करता है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रहा है। बदलु को बदति मोग मेतत यश कपोतः एद मग्नौ कृणोत यश दूत प्रथा एसम एतस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे। उलूक यत वदते, उल्लू जो अशुभ बोलता है, एतद यह उसका बोला हुआ मोघम निष्फल हो, अर्थात इस उल्लू ने जिस आने वाली आपत्ति की सूचना दी है वह निष्फल होवे। कपोतः और कबूतर अग्नि यत पदम कृणोत, अग्नि में जो पैर करता है अर्थात पैर से अग्नि सेकता है, वह भी निष्फल हो। इस अपशगुन से सूचित आपत्ति का भी निराकरण हो। यह उल्लू व कबूतर यश प्रहता दूता जिसका भेजा हुआ दूत है उस मृत्वे यमाय मारने वाले यम के लिए नमः नमस्कार होवे। इस मंत्र में उल्लू के बोलने व कबूतर के पैर से अग्नि सेकने आदि अपशगुन से उत्पन्न आपत्ति निवारण की प्रार्थना है। अथर्ववेद सूत्र 6 मंत्र 27, 28 तथा 29 में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, पाठक वहां देख सकते हैं। ऐसे अपशगुन मृत्यु की संभावना को सूचित करते हैं ऐसा जान पड़ता है। अतएव इन अपशगुनों के करने वालों को यम का दूत कहकर पुकारा गया है। शकुन व अपशगुन संबंधी वेद मंत्र हैं, यह पाठकों को लक्ष्य में रखना चाहिए। अस्तु यहाँ यम उसी अर्थ में है जिस अर्थ में कि वह प्रसिद्ध है। यह प्रथमः प्रवतमास साधः बहुव्यपन्था मनुष्यस्परान योयस्येषे द्विपदो चतुष्पदे तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे। जिस यम ने अनुष्पाख्यान खोज करते हुए बहुव्य प्रथम बहुतों से पहले होकर प्रवतम पंथा आश्रसाद प्रकष्ट मार्ग को प्राप्त किया तथा यह जो अस्य द्विपदः इस दोपहर वाले मनुष्य जगत का वह अस्य चतुष्पदः इस चार पैर वाले पशु जगत का स्वामी है, तस्मै उस मृत्यु के यमाय मृत्यु करने वाले यम के लिए नमः अस्तु प्रणाम है। यहाँ पर भी यम उसी में अर्थ है जिस अर्थ में के पूर्व मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। नमोस्तु ते निरते अग्नि ज्योतिष्मान विचृता बंध पाशान यमो मह्यम पुनरितम त्वाम ददाम तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे। हे तिग्म तेजः निरृत्य, हे तेज नष्ट करने वाली नैऋत्य, ते नमः अस्तु तेरे लिए प्रणाम है। अयस्यमानः बंध पाशान लोहे की बनी हुई बेड़ियों को विचृत खोल दे काट दे, यम ने त्वाम तुझे मह्यम मेरे पुनः फिर ददात दिया है। मृत्यवे यमाय प्राणापहरण करने वाले यम के लिए नमः अस्तु नमस्कार होवे। तिगम तेजः तिग गतौ हिंसाय च से हिंसा अर्थ में तिग शब्द बनाने पर इसका अर्थ होगा कि जो तेजक नाश करे वह तिग्म तेज है। नैऋत्य का अर्थ है कष्ट दुख अनिष्ट। यम यहाँ पर भी उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। एवोष्मान निरते नेहाम स्वयस्यान विचृता बंध पाशान यमो मह्यम पुनरितत्वावदाति तस्मै
यमाय नमो अस्तु मृत्यवे। हे मर्तो, जिस प्रकार पशु घास आदि वक्ष पदार्थों से अलग नहीं होता, अर्थात सृष्टि में उसे जैसे सदा घास आदि वक्ष पदार्थ स्वतंत्रता से मिलते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी स्तुति करने वाला अप्रीतिकर अथवा असेवनीय अर्थात उपभोग सामग्री की प्राप्ति से रहित मत होवे। उपासक को भी मृग की तरह स्वतंत्रता से उपभोग सामग्री प्राप्त होती रहे और वह उपासक यमस्य पथाम यम के मार्ग से मत जावे, यानी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त मत होवे। इस मंत्र में भी स्पष्ट रूप से प्राणापहरण करने वाले यम का ही उल्लेख है। देवेभ्यः कम व्रणीत मृत्युम प्रजाये किम मृतम नाव्रणीत बृहस्पतिम यज्ञमकृणंतम ऋषि प्रियाम यमस्तन्वः प्राचरेत। इस मंत्र का उत्तरार्ध थोड़े से पाठ वेद के साथ अथर्व में इस प्रकार से आया है। देवेभ्यः देवों के लिए किस मृत्यु को स्वीकृत किया है, अर्थात देवों के लिए मृत्यु कौन सी है, उत्पन्न होने वाली मनुष्य आदि संतति के लिए क्यों अमरता स्वीकृत नहीं की, अर्थात प्रजा को अमर क्यों नहीं बनाया, मनुष्यों ने बृहस्पति ऋषि को अमरता प्राप्ति के लिए यज्ञ बनाया तो भी यम ने उनके प्रिया तनु प्रिय शरीर को छीन लिया, अर्थात तो भी उन्हें अमरता का लाभ ना हुआ, अथवा अथर्ववेद के पाठ भेद अनुसार इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है। देवेभ्यः कम मृत्यु न अब्रणीत, देवों में से कौन मरता न था, अर्थात देव ही सब मरते थे, तब बृहस्पति ऋषि यज्ञम अतनुत, देवों में से बृहस्पति ऋषि ने अमरता की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और हवनों के लिए अमृतम अब्रणीत अमरता को प्राप्त किया, पर प्रजाए प्रजा के लिए किम अपि अमृतम न कोई भी अमरता न प्राप्त की, अतएव प्राणों के अपहरण करने वाला यम प्रजाओं से उनकी प्यारी देह छीन लेता है, अर्थात प्रजा की मृत्यु होती है। यहाँ पर अलंकारिक रूप से देवों की अमरता व मनुष्य की नश्वरता का वर्णन किया गया है। हे जातवेद, ये जो शत्रु दाहिनी ओर से यज्ञ करके हम पर आक्रमण करते हैं और जो दक्षिण दिशा से आसमान हमें दास बनाने के लिए आक्रमण करते हैं, वे शत्रु यम को प्राप्त करके पीठ मोड़ पर भागते हैं, व्यथित होते हैं, अर्थात उनका दुर्दशा पूर्वक नाश होवे। इन शत्रुओं को मैं उनका प्रतिसर से हनमी मारता हूँ। प्रतिसर सायणाचार्य ने इसका अर्थ किया है कि जिससे आभिचारिक कर्म का निवारण हो। पिशाच, हे पिशाचो, तुम्हारी गर्दनों को रुद्र ने काट डाला है, पीड़ा देने वाली तुम्हारी पंखलियों भी वह रुद्र काट डाले संपूर्ण तथा वीर से युक्त औषधि। यम ने अजम गमतः यम के साथ बलिभांति संयुक्त करे, अर्थात मार डाले। इस मंत्र में शत्रु विनाशार्थ जहरीली औषधियों के प्रयोग करने का निर्देश दिया है। ज्येष्ठाघात जातः, ज्येष्ठ अग्नि में पैदा हुए तथा विचरित में पैदा हुए इस कुमार की यम के मूलोच्छेदन से हे अग्नि रक्षा कर, इसे मरने से बचा। इस पुत्र को विश्वान द्रोता ने सर्व पापों विघ्नों से बचाकर दीर्घ आयु प्रदान करो। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र में उत्पन्न संतान ज्येष्ठ का नाश करती हैं, इस विषय में तैत्तरीय ब्राह्मण का निम्न वचन है। ज्येष्ठाम एषाम अवधिस्मेति तज्येष्ठ धनी, विचित्र हिंसा स्वभाव वाले मूल नक्षत्र का नाम है, इसमें पैदा हुई संतान नष्ट हो जाती है। इसमें निम्न वचन है, मूलम एषाम अब्रक्षीतमेति तन्मूल वहिणी। यहाँ पर यम का जो संतति का मूलोच्छेदन अर्थात जड़ से नाश करना है, उससे बचाने की प्रार्थना है, एवं यम यहाँ पर विनाश करने के अर्थ ही प्रयुक्त हैं। हमें विवस्वान सूर्य अमरता में दधात स्थापित करें,
मृत्यु परा एतु मृत्यु दूर भाग जाए, हमें अमरत्व प्राप्त होवे। इन पुरुषों की सूर्य बुढ़ापे तक रक्षा करें। इस प्रकार इन मंत्रों के अवलोकन से यम एक नाशक शक्ति है, यह प्राणियों के प्राण हरण करने वाला है। यह हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। यम अन्य अर्थों में भी वेदों में प्रयुक्त हैं, जैसा कि हम आगे चलकर दिखाएंगे, पर इसके आगे साथ साथ यम नाश करने के अर्थों में भी प्रयुक्त हैं। इसी को हम यूं भी कह सकते हैं कि प्राणियों के प्राण हरण के महकमे के अधिकारी का नाम यम है। हम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमे का राजा है, इसी की बाकायदा प्रजा है, इसका लोक है, इसके दूत हैं।